भाई और जानकारी लेते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध को जो मानते हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो वहाँ अपनी आस्था जरूर रखते हैं और जरूर जाते हैं। ऐसे ही समाज से भी भगवान गौतम बुद्ध के उपासक ओमवीर जी हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, मनवर, जो भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा या उनका संदेश है, क्या संदेश है कि उन संदेश को अपनाएं और अपना हम कल्याण करें और अपना हम उद्धार करें। उन्होंने संसार के अंदर जो मानवता का पाठ पढ़ाया वो किसी और भगवान ने नहीं पढ़ाया, इसलिए पूरा संसार उनको भगवान बुद्ध के नाम से जानता है। और वो जीवन जीने की हर कला के लिए, हर जीवन में के हर दिनचर्या में हमें कैसे जीना है, कैसे हमें खाना है, कैसे हमें पीना है, कैसे हमें सोना है, हम परिवार में कैसे आपस में भाई भाई से कैसे बात करें और पापा बेटे से कैसे बात करें, बेटा पापा से कैसे बात करें। इसलिए संसार के अंदर जो पाठ उन्होंने दिया है, जो उन्होंने संदेश दिया, वो किसी भगवान ने नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने सारे संसार का कल्याण हो, सबका ही भला हो, इसलिए उनका संदेश सबके सामने है। और उन्होंने यही कहा है कि जो भी संसार के अंदर काम कर रहा है अपने जीवन में मेरी तरह, वो भी भगवान बन सकता है। जैसे मैं पैदा हुआ हूँ अपने माँ बाप से, ऐसे ही आप भी अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। और इसीलिए आप भी जब अपने कल्याण के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कल्याण की भावना से काम करेंगे, तो कोई भी ऐसा संसार में भी वो नहीं है सकती जो आपका विकास को रोके, आपके परिवार के विकास को रोके। इसीलिए सारा संसार आज उनका पूरे भगवान के नाम से, और देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों के अंदर सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध की पूजा वंदना होती है और सब लोग उनके संस्कारों को अपनाते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा जीवन मार्ग बताया है, यही सबसे बड़ी उनकी। मनो ओमवीर जी, भगवान गौतम बुद्ध आप लोग बताते हैं और हमने पढ़ा भी है कि भारत के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन भारत के अंदर बौद्ध धर्म का इतना प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है, लेकिन और कंट्रियों के अंदर भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार है। देखिए, जब यहाँ पे कभी ब्राह्मणवादी समर्थता यहाँ पे जो ना पूर्ण रूप से समाई हुई थी और उसी के हाथ में सारी सत्ता थी, तो उसने यहाँ के जो हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु संघ था, और उसी उसमें बृहदर्थ के उसमें काल में जो सम्राट अशोक का पौत्रता था, उसके लिए उसने प्लानिंग बना करके पुष्पमित्र सिंह ने उनका मर्डर किया, उनका जो ना सिर कत्ल करा और उनको जो ना वहाँ से, इसी के बाद में जितने भी भिक्षु यहाँ पे थे उनको सबके लिए ये आदेश कर दिया सत्ता पे बैठते ही कि सबका सिर भिक्षुओं के जो लाएगा, एक सिर लाएगा तो 100 दिनार पाएगा, 100 दिनार पाएगा। इसीलिए जो ना उस जमाने में एक भिक्षु का सिर काट के लाएंगे तो और 100 दिनार पाएंगे, और उस लालच में जो गरीब आदमी सड़क के किनारे भी पड़ा है तो वो भी जा कर के उस भिक्षु की तलाश में लग जाता था कि जहाँ वो आसानी से उनको धोखे से मार सके। इसलिए भिक्षुओं के सिर काटे गए, हमारे बौद्ध विहार का उनका विनाश किया गया, उनको तोड़ा गया और उसको ख़त्म करके, और श्याम दाम दंड भेद के साथ में हमारी जो यहाँ पे बौद्ध परंपरा को अच्छी तरह से पूरे संसार के अंदर ये विकसित थी भारत के अंदर, वो यहाँ से तहस नहस की, और भारत से हमारे धर्मगुरु, हमारे भिक्षु संघ के जो बड़े बड़े उपासक थे वो विदेशों में अपनी जान बचा करके भागे, लंका में गए, जापान में गए और अपने जीवन बचा करके उन्होंने वहाँ जा करके भगवान बुद्ध के संदेश को दिया। और जब उन्होंने, चाहे वो इंग्लैंड में थे चाहे जापान में गए, उन्होंने जब ईसाई थे और सब कुछ होते हुए भी जब भगवान बुद्ध के विचारों को उन्होंने जाना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से ज़्यादा उनके विचारों को जान करके उस देश का कल्याण किया, अपने देश का कल्याण किया, अपने विकास किया, अपने समाज का विकास किया। जैसे कि आप जानिए, संसार के अंदर आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी भारत के जापान के अंदर है, जो कहीं की नहीं है, जापान के अंदर सारा कुछ बनाया जाता है, और जो ना वहाँ की टेक्नोलॉजी जितनी विकसित है इतनी किसी संसार के नहीं है। तो इसलिए वहाँ के लोग, इसलिए उन्होंने मनाया और 90% उनकी विचारधारा से जुड़े, और विदेशों के अंदर भगवान बुद्ध का जो प्रचार
प्रचार प्रसार है, उनका बचपन से ही अपने बच्चों को दान करते हैं धर्म के नाम पे, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारे देश का विकास आगे हो। तो इसीलिए इंग्लैंड गया, थाईलैंड गया, जापान गया, वो सारे देश विकसित हैं, और इसीलिए वहाँ पे भगवान बुद्ध को यहाँ भारत से ज़्यादा जाना जाता है। और यहाँ भारत के अंदर 2500 वर्ष बाद, जब भगवान बुद्ध के जाने के बाद 2500 वर्ष बाद यहाँ पे जो ना बाबा साहब का जन्म हुआ, और बाबा साहब के विचारों से जब उन्होंने बचपन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते पीड़ा सहन करते करते, तब भगवान बुद्ध का बाबा साहब ने कई लाखों के साथ में बौद्ध दीक्षा लेकर के इस भारत के अंदर दोबारा से बौद्ध धर्म का विकास किया, और उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर जलाने के लिए कई लाखों को यही दीक्षा दी कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके जो ना समाज का कल्याण होगा। इसलिए भगवान बुद्ध को 2500 वर्ष बाद में बाबा साहब यहाँ पर द्वारा लाए, और आज बाबा साहब की वजह से पूरे भारत में भले यहाँ धीमी गति से चल रहा हो, लेकिन आज भगवान बुद्ध की विचारधारा से जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आज ये आप देख रहे हैं भीड़ को, ये सब बाबा साहब की देन है। और उस विचार से धीमी गति से भली, लेकिन बड़े करोड़ों में लोग आज भगवान बुद्ध की विचारधारा को मार्ग पे, उनके मार्ग पे चल के अपने कल्याण कर रहे हैं, यही भगवान बुद्ध के। धन्यवाद साहब।